सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी टीम बनाई, लाखों की टीम बनाई, और पहले साल में 8190 का आंकड़ा पार करके एक साल में 52 लाख कमाने का रिकॉर्ड बनाया सर, तो ये कैसे किया सर आपने? मैं पर्सनली जो मानता हूं ना, जो टीम बनाई, तो टीम जो बनती है वो टीम जब पहले आप खुद करते हैं उसके बाद ही वो टीम बनी। तो जिस समय मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है कि मैंने खुद काम करना शुरू किया और खुद काम करके एक बेंचमार्क सेट करता था, और शुरुआत के दौर में भी जो मेरी वर्किंग होती थी, मेरी वर्किंग में आपको कम से कम जो है अपॉइंटमेंट मान लें, प्लान शो मान लें, या फॉलोअप मान लें, ये सारा जोड़ के 20 लोगों से कम से मैं डेली नहीं मिलता, कम से कम 20 लोग प्लस ही होते थे जिनसे मैं डेली मिलता था। कभी कभी तो ऐसा भी रहता था जहां पे एक एक दिन के अंदर 50 लोग 60 लोग 70 लोगों से मिलता। क्योंकि यहां पे क्या है कि जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं, एज ए लीडर आप फ्रंट पे लाते हैं, तो आप क्या करते हैं यही आपके लोग देखते हैं। तो जो भी हमारे साथ लोग थे उनको लगा कि जब इनकी अचीवमेंट्स ऐसी है और ये इस तरीके से मेहनत करने लगे, तो चूंकि आपको पता है कि ये सिस्टम जो है ये डुप्लीकेशन का सिस्टम, तो जैसे जैसे मैं करने लगा चीजें हमारी टीम के लोगों ने जो है वो डुप्लीकेट करना शुरू किया, और जैसे जैसे डुप्लीकेट करना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो टीम बड़ी बनने लगी। और इस चीज में मैं कहना चाहूंगा कि जो टीम बनी, उस टीम बनने में मेरी मेहनत की तो भूमिका थी, लेकिन मेरे साथ साथ जो भी हमारे एक्टिव अप्लाइंस थे, स्पेशली मनीष सर, चिंटू सर, रणबीर सर, इन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। इसलिए चूंकि ये जो पूरा ओवरऑल का जो काम है, ये काम आपका टीम वर्क का काम, आप अकेले अगर कोई ये कहे, मैंने कहा आपको कि 8190 लोगों की ज्वाइनिंग करा एक साल के अंदर, तो मैं अगर पर्सनल लेवल पे जाता तो क्या आपको लगता है कि 8190 लोगों से मैं मिल सकता हूं? नहीं। लेकिन ये टीम ने किया। लेकिन टीम ने कैसे किया? जब हमने अपने काम करके उसको प्रेरित किया। आपको भी एक लीडर बनना है, आपको बॉस नहीं बनना है, आपको मालिक नहीं बनना, आपको लीडर बनना है, और आपको अपने एसोसिएट का फ्रेंड बनना है। अगर आप अपने एसोसिएट के गुड फ्रेंड हो गए तो आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपके पदचिन्हों पर आपका एसोसिएट करते जाएगा। तो जिस तरीके से मनीष सर, चिंटू सर, रणवीर सर ने हमें काम करके दिखाया, मैं पूछने थोड़ी जाता था, मैं उनको देखता था, उनका एक्शन देखता था, और जब उनके एक्शन को देखता था तो उन्हीं के हिसाब से मैंने एक्शन लेना शुरू किया, और जब मेरा एक्शन अच्छा हुआ तो मेरी टीम ने एक्शन लेना शुरू किया, और धीरे धीरे वो टीम जो है वो बढ़ती चली गई। और दो तीन चीज हम लोगों ने बहुत तरीके से रखी, चूंकि आपको पता है कि ये काम जो है ना, ये टीम वर्क का काम है, तो टीम वर्क के काम में आपको टीम को एकदम एक अच्छे हेल्दी एनवायरमेंट देने पड़ते हैं, टीम के अंदर एक आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप आपको रखनी पड़ती है, और जब आप अकेले रहेंगे तो किसी भी चीज में आपको फेलियर होने का जो है डर या खतरा ज्यादा रहे, लेकिन जब आप टीम में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो वो डर खतरा रहता नहीं। तो हम लोगों ने जो भी काम किया बिंदास तरीके से काम, ऐसे देखते ना, अगर आप रोड पे चले जाएं और एक कुत्ते को आप मान लीजिए एक ढेला आप मार देंगे तो क्या होगा? कुत्ता भाग जाएगा, कुत्ता भाग जाएगा, लेकिन वही एक ढेला लेके आप मधुमक्खी के छत्ते पे मार के देखिए क्या करेगा मधुमक्खी, क्या हाल बनाएगा आपका? आप तो वही है जो कुत्ता को मारे थे, वही मधुमक्खी को भी मार रहे, ढेला भी वही है, जगह भी वही, सब कुछ वही है, लेकिन कुत्ता वहां पे अकेला था और मधुमक्खी पूरे के पूरे टीम में है। तो इसीलिए ये सिस्टम आपको तभी बिल्ड होगा जब आप टीम बनाएंगे। और आज जो मैं आपको कह रहा हूं कि 20 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, इस अचीवमेंट का जो सार है वो 20 साल नहीं है, 20 साल तो हमने ड्यूसॉर्ट में काम किए तो 20 साल हो गया, और ड्यूसॉर्ट में 20 साल काम क्यों किए, ये भी एक सवाल हो सकता था, मैं अपने ही तरफ से बता दूं, ये 20 साल ड्यूसॉर्ट में इसलिए काम किए कि पिछले 20 साल में ड्यूसॉर्ट से बेहतर काम कोई मिला ही नहीं, अगर मिलता तो कर लिया होता, नहीं मिला। तो सोचिए हम लोग इतना देश विदेश घूमने वाले लोग, उसको जब 20 साल में ड्यूसॉर्ट से बेहतर काम नहीं मिला, तो आप लोग तो अभी नए नए स्टार्टअप हुए, आपके लिए तो समझिए कि बेस्ट चीज यहां पे। तो टीम जो है, ये जो हम लोगों ने बनाई है, टीम बनाई मुश्किल से 4 से 5 साल की मेहनत, 2001 तो लास्ट में स्टार्टिंग किया, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 मान के चलिए, इससे ज्यादा हम लोगों ने मेहनत नहीं किया। 2007 तक में इतनी बड़ी टीम बना दी कि उस टीम का, क्योंकि ये टीम वर्क है ना, उस टीम की रिकरिंग आज जब काम नहीं भी कर रहे हैं, सप्ताह में जो 2 ही दिन मेहनत करते हैं, 5 दिन घर पे रहते हैं बच्चों के साथ या कुछ भी फैमिली के साथ या एंजॉय करते हैं, तब भी हमारे पेमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाकी दुनिया और इसमें सबसे बड़ा यही फर्क कि आप जो मेहनत करते हैं, बाकी दुनिया में आप जब तक मेहनत करेंगे तब तक आप खड़े रहेंगे, यहां पे आप शुरुआत के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत कर दीजिए, टीम बिल्ड कर दीजिए, लोगों को विजुअलाइज कर दीजिए, लोगों को फोकस बना दीजिए, लोगों की अचीवमेंट्स बनाने में मदद करिए, एक बार जब वो अपने कदमों पे चलने लगेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है सिस्टम चलने लगेगा। एक व्यक्ति प्रवचन देख रहा था,
बाबा जी का, तो प्रवचन जब चल रहा था तो प्रवचन में बाबा जी ने पूछा कि स्वर्ग जो है वो कितने लोग जाना चाहते, तो वो व्यक्ति भी था, उसकी पत्नी भी थी और उसकी सास भी थी। तो उसकी पत्नी और सास ने हाथ उठाया और इसने नहीं उठाया। तो बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी और सास ने हाथ उठाया, वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो बोला ये दोनों लोग चले जाएंगे तो हमारे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा ना, हमें जाने की कहां जरूरत। तो यही चीज सिस्टम के साथ है कि अगर आपके जो अपलाइन है वो कैप पे पहुंच जाए, आपके डाउनलाइन जो है वो कैप पे पहुंच जाए, तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमेशा थ्रू आउट कैप पे रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं हिलाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको गांठ बांधनी होगी, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे हैं, जो चीजें हम लोगों ने नहीं की, आपको भी सलाह देना चाहूंगा सभी यंगस्टर्स को कि वो अगर नहीं करेंगे उससे अगर बच के चलेंगे तो बेहतर हो सकता है, जो सक्सेस की आपकी ड्यूरेशन है वो और छोटी हो सकती है। तो वो चीजें आपको, एक तो चूंकि जब हम यंगस्टर्स एज में आते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा फिसलन भरा होता है, और हम लोग जब काम करते हैं तो बॉयज गर्ल्स ये सारे एक साथ काम करते हैं, अच्छा माहौल बना के काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े से डेविएट हो जाते हैं कि हमारा फोकस है डिवसॉफ्ट में कैंपिंग करने का और हम कहीं ना कहीं डेविएट। तो ये वाला जो और उम्र का तकाजा है, अगर आप 19-20 साल में इसमें लड़ाएंगे तो 50 साल में कहां जाएंगे आप लड़ाने के लिए? मैं इस तरह का वर्ड यूज नहीं करता हूं, चिंटू सर हमारे विशेषज्ञ हैं, वो अच्छे तरीके से इसको बताते हैं कि कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 50 साल के उम्र में कार खरीदेंगे और जाएंगे महिला कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज के सामने गाड़ी लगा के खड़े होंगे चश्मा लगा के, तो पता है वहां की लड़कियां क्या सोचेगी, अपनी बेटी को लेने के लिए आए, ये नहीं सोचेगी आप कुछ करने आए। तो वो एक उम्र है, लेकिन उस उम्र में इस चीज से हमें लगता है कि परहेज होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिससे अगर आपकी डेविएशन आएगी तो आपकी सक्सेस जो आप सोच सकते हैं वो वहां तक आप नहीं जा पाएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप सफल हो जाते हैं, चूंकि हम लोग के साथ भी आया, हम लोग भी ऐसे ऐसे मीटिंग्स में जाते थे जहां हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां होती थी, और जब आप सक्सेस करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको उससे बचना है। आपको पता है कि जब आपकी सफलता आ जाएगी तो फिर तो सैकड़ों हजारों लोग आपके पास आएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज था जिसको हम लोगों ने स्ट्रांगली होल्ड किया कि हमारे लिए, हम जिस उम्र में है, हमारे लिए सबसे हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारा करियर है, ड्यूसॉफ्ट है, सक्सेस है, उसके बाद तो ये सारी चीजें आती रही। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों करोड़ हम लोग पेमेंट्स ड्यूसॉफ्ट में भेजते हैं, ये करते हैं, तो आज तक मुझे याद है कि चिड्डू सर, मनीष सर, रणबीर सर या हम लोगों ने कभी भी किसी भी एक एसोसिएट का एक आईडी भी इधर से उधर किया हो, 5 लाख आईडी हम लोगों ने आज तक अभी तक निकाला उसमें। तो एकदम ये स्ट्रिक्ट रूल था कि ठीक है कहीं से भी कुछ होगा अपने पैसे प्लस कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन किसी ने अगर मेरे भरोसे के ऊपर सिस्टम में पैसे दिए हैं तो उस पैसे को किसी भी तरीके का जो है मतलब हम मिसयूज नहीं करना चाहेंगे, और उस पैसे को, क्योंकि उसने पैसे मुझे दिए मेरे फेथ पे, लेकिन पैसे उसने मुझे एक मीडिएटर के माध्यम से दिया, कहां पहुंचाने के लिए, ड्यूसॉफ्ट के पास। और अगर वो एक एसोसिएट का पैसा मैं गड़बड़ भी कर दूंगा, और सोच के देखिए कि वो एसोसिएट जिसका पैसा आपने गड़बड़ कर दिया, उसको कहते हैं ना गर्भ के अंदर भ्रूण हत्या कर दिया, और वो एसोसिएट कौन थे, चिंटू सर, वो एसोसिएट कौन थे, मनीष सर थे, वो रणवीर सर थे। आप सोचिए वो आप 10,500 रुपए की गड़बड़ी कर देंगे, लेकिन उस वो अगर आ जाते हैं ना तो वो आपको 50 करोड़ का बिजनेस। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन चीजें जो है ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों को, चूंकि जब आप स्टार्ट करते हैं नया नया सक्सेस शोहरत आता है तो मतलब भटकाव आना शुरू होता है, तो हमको अपने पद से कहा जाता है कि फोकस कैन चेंज योर लाइफ। तो जो आपका फोकस है कि कैपिंग, हमें डिप्लोमेट बनना है, हमें एम्बेसडर बनना है, हमें कॉन्जुअल बनना है, वहां करिए, जब वो सारी चीजें आप कर लेंगे ना तो फिर बाकी की चीज जो है ना वो सारी चीजें आपके लाइफ के अंदर वो अपने आप आती चली। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं, और टीम जो बनाना है तो टीम तो बड़ा बनाना ही होगा, क्योंकि टीम बड़ा बना के ही आप इसमें बड़ी सक्सेस कर सकते हैं, और टीम बिल्डिंग करने के लिए टीम के साथ मेहनत करना होगा, टीम के साथ दिन रात एक करना होगा, टीम के जो लोग हैं उन लोगों के साथ जो है आपको मिलजुल के उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, उनके अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हमारे और उनके जो है सारे लोगों के सपने एक जैसे मैच कर रहे हैं कि नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं ये एज ए अपलाइन मुझे सपोर्ट करके आगे तक ले जाएगा, क्योंकि दिखाने वाली बात अलग होती है और एक जो होता है एक सिस्टम वाली बात अलग होती है, तो उसको लगे कि नहीं ये सिस्टमेटिक वे में मुझे सफल कराने ले जाना है। और एक बार जब टीम आपकी बन जाएगी तो हो गया, यहां करना क्या है,
यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल तक आपको टीम बनानी है। जब वो टीम आपको मैं क्या बताता है कि 2006 से 7 तक काम किया और आज 22 साल 15 साल से कैसे 15 साल से जो मेरी गाड़ी चल रही है वो कौन सी मोड में चल रही है, ऑटो पायलट मोड में, सेल्फ स्टार्ट मोड में, ठीक है, स्टार्ट वाला वो समय गया, वो अपने आप स्टार्ट है, कुछ नहीं करेंगे लाइफ टाइम पैसा है। तो ये चीजें अगर मेरे साथ हो सकती है तो ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, आप भी कुछ नहीं करेंगे पैसा आएगा, लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ के साथ एक टीम बिल्ड करनी होगी, अपनी लेफ्ट राइट की जो है स्ट्रक्चर बिल्ड करनी होगी, और जब वो स्ट्रक्चर बनेगा तभी वो बड़ी इमारत। बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया सर, आपकी बातों को सुनकर सर दो लाइनें मुझे याद आ गई कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत ही बढ़िया, ठान ही लेना है, ठान ही लेना है। और मैं आपको बोल दूं कि आज भले ही हम लोग 44 साल के हो गए हैं, 34-33 के, लेकिन मैं 44 के, लेकिन आपको लगता हो कि ये लोग ओल्ड हो गए हैं, ये लोग ओल्ड नहीं है, ये लोग तब तब के गोल्ड हो गए हैं। तो ओल्ड इज गोल्ड जो कहावत है ना, ये गोल्ड आपके पास है, और इस गोल्ड के जरिए आप जितनी सक्सेस लेना चाहते हैं, आप जितनी सक्सेस लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको हम लोग के जरिए मिलने वाला है, इस सिस्टम के जरिए मिलने वाला है। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्र जो है ना वो हमें थका नहीं सकती, उम्र हमें थका नहीं सकती है, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती है, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती है। यही मूल मंत्र हमें याद रखना है कि हमारी जीतने की जिद है और हम जीत के रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।